वेलकम टू माई चैनल रूप्स लाइफ। तो जी, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से हम लोग जल्दी से जल्दी घर में आना चाहते थे। तो हमारे जो कुछ काम है ना, वो इनकम्प्लीट रह गए थे। वैसे तो ये भैया से जो है हमारी बात पहले हो गई थी, इन्होंने काम करना था, लेकिन ये बीच में ना अपने गाँव चले गए थे। तो फिर हम लोग रुक गए, ठीक है बाद में देखेंगे। हम लोग आज क्या कराने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो ये जो है मेरी यूटिलिटी एरिया की है दीवार बाहर की तरफ, यहाँ पर हम लोगों को ग्रेनाइट बिठाना है। ये जो ग्रेनाइट है ना, ऐसा है, ये जो है हमने, वो भैया तो चले गए थे, दूसरे वाले से ये लगवा लिया था हमने, क्योंकि मुझे सिंक तो बाहर चाहिए था इसके लिए। तो इसकी फिनिशिंग भी बाकी है ना, तो इसके साथ जो है ये भी यहाँ पर लगेगा सेम एज इट इज़। उसके अलावा ये जो टाइल्स देख रहे हो, चलिए मैं आपको दूसरी जगह पर दिखाती हूँ। देखो, ये भैया जो है ना कल आके पूरा मेजरमेंट ले गए, और ये अपना बहुत सामान रख गए थे कल वो, कि मैं कल सुबह आके जल्दी शुरू कर दूँगा। 9 o'clock होने वाले, अब देखते हैं कब तक आते हैं। इनके काम को भी ना एक दो दिन लग जाएंगे। ये जो है ये मेरी डाइनिंग के साथ में बालकनी, ये जो टाइल्स है ना, ये बहुत गंदी से लगती है, अच्छी है, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, इनमें ना मिट्टी भी बहुत जाती है, कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं तो मिट्टी कुछ ज़्यादा ही है। तो जी, ये एक हमारी थर्ड बालकनी है, और जो मैंने वॉश एरिया बना रखा है अपना, यहाँ पर भी काम बाकी है। देखिए जो है, यहाँ पर पत्थर बिठाएंगे, इसको फिनिशिंग करेंगे, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर स्टोन ऑलरेडी है ना। और इसके अलावा ना, ये जो देख रहे हो नीचे दीवारें हैं ना, ये आउटर वाली है, इसमें ना हम लोग सोच रहे हैं कि टाइल्स लगा। चलो, फाइनली ये जो काम है ना, बहुत दिन से पेंडिंग था, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा अभी, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बाकी ये जो टाइल्स है ना, ये टाइल्स जो है तीनों बालकनीज में सेम ही दे रखी है। देखिए कितना है ना, इसमें जो है ना, ये कुछ टेक्सचर टाइप का है, इसके लिए इसको क्लीन करना मुश्किल होता है, और वहाँ पर प्लांट्स रहते हैं ना, तो उसको बार बार वो पानी डाल के साफ करने थोड़ा पॉसिबल सा नहीं है। चलो, ये यूटिलिटी एरिया का और ये वॉश एरिया का तो पानी डाल के हम लोग कर लेते हैं, ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ आपको बिल्कुल अपने करेक्ट टाइम पे, है ना। हम लोग वेट ही कर रहे थे, सर तो वेट कर करके जिम चले गए, बोले अरे वो पता नहीं कब तक आते हैं, मैं फोन करती हूँ। संध्या वो 9 बजे जिम पर चले जाएंगे, इसके लिए मैं थोड़ा कर लूँगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आप काम तो शुरू करो। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको दिन भर में क्या क्या होने वाला है। तो जी, हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। वैसे तो स्टोन और टाइल्स ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही थी, मगर कुछ कम पड़ गई हैं, तो देखते हैं अभी सेम मैचिंग मिल जाएगी तो लेके आएंगे। और आज से काम तो शुरू हो गया है, मोल्डिंग वगैरह भी स्टोन का पूरा उन्होंने करके रख दिया है, तो देखते हैं बाकी और क्या क्या सामान चाहिए, जल्दी से हो जाए बस। टाइल्स की जो सिलेक्शन है वो तो हो गई है, बहुत अच्छी टाइल्स है, अब लगने के बाद देखते हैं कैसे लगती है। बस फटाफट से यहाँ से चले, अभी ज़्यादा देर बाहर रुकना भी सेफ नहीं है ना। तो जी, 2 दिन हो गए हैं लगातार काम चलते हुए, और घर में इतनी गंदगी फैली हुई है ना, मेरा मन ना देख देख के ऐसे ऐसे हो रहा है कि कभी ये काम ख़त्म हो और ये फटाफट से साफ हो। पूरा घर में मिट्टी मिट्टी, दिखाओ आपको, ये डाइनिंग टेबल है और ये दिख रही है, पूरे घर में ऐसे हो गए। ये लोग कटिंग करते हैं ना, जब जो फ्रेंच डोर है उसका ग्लास उसने बंद तो कर दिया था,
लेकिन फिर भी ना आती है गंदी मिट्टी। तो जैसे कटिंग, टाइल कटिंग की उसको, ग्रेनाइट को उसने मोल्डिंग किया, वो टाइम पे बहुत ऐसे उड़ रही थी, चाके भी कुछ नहीं कर पाई मैं। चलिए दिखाती हूँ आपको आज उसने क्या किया। लगा दिया थोड़ी ग्राउटिंग इसमें जो भरी थी ना, वो ग्राउटिंग निकल रही है। तो आज वो भैया को बोलेंगे इसका कुछ करो, नहीं तो कुछ पता नहीं सॉल्यूशन टाइप कुछ आता है वो डालेंगे बोल रहे थे। देखते हैं क्या करते हैं। इसके अलावा जो है दोनों किचन की बालकनी जो है वो भी, और वॉश एरिया की बालकनी, उसमें भी ग्रेनाइट लगा दिया उन्होंने। टाइल्स आज लगेगी मुझे लग रहा है, 2 दिन का काम ही और है, टोटल 4-5 दिन तो लगेंगे। बाकी मैंने ये जाली इसलिए बंद करके रखी है, यहाँ थोड़ी देर पहले ना छिपकली गई है बाहर से, यहाँ आई वहाँ से निकली, बाहर से अंदर आई यहाँ से निकली, फटाफट करते करते वहाँ भाग गई। मुझे तो बहुत डर लगता है छिपकलियाँ से, इसके अंदर नहीं आया क्योंकि हमेशा डोर जो है हमेशा बंद रखती हूँ मैं। अच्छा लग रहा है दिखने में, मुझे अंदर की जो टाइल्स है ना अभी वो थोड़ी सी लग रही है कि हाँ यार इसका भी कुछ करेंगे, क्योंकि ये जो टाइल्स का काम है ना हमारे फ्लैट में ये अच्छा नहीं हुआ हुआ, जगह जगह पे ख़राब हुई पड़ी है टाइल्स। जो कारपेंटर थे उन्होंने भी बहुत सारी टाइल्स तोड़ दी, देखे दिखती है यहाँ पे है ना। तो ये थोड़ा बड़ा काम है, ये अभी तो नहीं करेंगी। तो भैया जो है वो आ गए हैं। वैसे एक बात बड़ी अच्छी है, ये भैया ना बहुत पंक्चुअल टाइम पे आ जाते हैं और कारीगर भी बहुत अच्छा है। ये देखते हैं वॉश एरिया शुरू किया है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो हमने टाइल्स लगवाई है ना, ये पुरानी टाइल्स के जो ऊपर है वही लगवाई है, हमने पुरानी टाइल्स को यहाँ पर तोड़ा नहीं है। क्योंकि हमारी जो बालकनी है वो जो रूम लेवल से थोड़ी सी डेप्थ में थी, तो ये टाइल्स लगाने से वो रूम लेवल के इक्वल आ गई है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर आपके ऐसे लेवल बराबर है तो आपको ये शायद तोड़ के लगवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो डोर है ना उसको नीचे से थोड़ा सा कटवाना पड़ता है, ताकि ये जो है ना अच्छे से सेटिंग हो जाए इनकी। तो जी आज है थर्ड डे। ये देखिए मैंने जो वॉशिंग मशीन है ना वो बालकनी से निकाल के रूम में रखी हुई है, ताकि ये जो काम है वो जल्दी से जल्दी वो कर सके, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं आए। निकालनी तो पड़ी थी। और ये जो है टाइल्स कुछ इस तरह से लग गई हैं, अच्छी दिख रही हैं। ये बालकनी तो जो है सबसे बड़ी है हमारे यहाँ पर, ये वॉश एरिया, और साथ ही में भैया ने ये पूरी वॉल भी चिप कर दी है। अभी इधर और इधर भी करना है उनको, अभी देखते हैं क्या करेंगे, पहले ये वॉल की टाइल्स लगाएंगे या किचन में फ्लोर टाइल्स लगाएंगे। हेलो जी, तो आज है day 4। भैया को मैंने कल बोला था कि जो उसकी वॉश एरिया है ना वो कंप्लीट कर लो, पहले वॉशिंग मशीन लगानी है, तो लेकिन भैया तो हमारे मनमौजी हैं है ना, उनको लगा कि वो बोल रहे थे कि नहीं वो तो यूटिलिटी जो किचन के साथ में है ना वो कंप्लीट करेंगे पहले। तो मैंने बोला भाई ठीक है, कोई सा भी है ना कर रहे हो कर दो, लेकिन उसको ख़त्म करना, बीच में छोड़ के मत जाना। तो बोले हाँ ठीक है, तो लेकिन कर गए हैं कंप्लीट, फाइनल करके गए हैं रात उसको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये टाइल्स जो है मैंने कुछ ऐसी लगी हुई है, अभी खाली एक सिलेंडर रखा है, बाकी सारा सामान बाहर ही पड़ा हुआ है, थोड़ा पानी वानी मार के बोल रहे रखे हैं। और ये जो ग्रेनाइट है ये लग गया, इसको मोल्डिंग कर दिए, और यहाँ पर जो था छोड़ा हुआ ये भी मोल्ड कर दिया है अच्छे से इन्होंने, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गई है किचन। बस इससे ज़्यादा और तो कुछ कराना भी नहीं है। बहुत से लोग ना ये सिंक के अंदर काम कराते हैं, लेकिन मुझे नहीं कराना, बारिश वगैरह आती है ना तो फिर इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
अरे भैया ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी टाइल्स लग रही है, देखिए। हमारी बालकनी का फाइनल लुक कुछ इस तरह से। अभी अभी बारिश हुई है ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गई है पहले से बालकनी। तो जी भैया तो काम ख़त्म करके चले गए हैं, लेकिन हमारा अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो इस वीडियो को इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।